जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सोलन में राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सवों में कुछ विद्यार्थी अव्वल आते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जीत और हार अहम नहीं होती, लेकिन ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना उससे भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किताबी कीड़ा बनकर ही नहीं, सभी तरह के कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर होता है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विद्यार्थी का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होना अति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ये विकास तभी हो सकता है जब विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, जिसके लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं अपना अहम रोल अदा करती हैं। इसके लिए विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सोलन में राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। जो भी इस प्रतियोगिता में विद्यार्थी विजय रहेंगे, उन्हें भोपाल में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल ने सोलन के चिल्ड्रन पार्क का दौरा किया और पार्क की कमियों के बारे में जाना और उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव को और पूर्व शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर विधायक शौंडिल ने कहा कि उन्हें पार्क की दुर्दशा के बारे में पिछले काफी समय से सूचनाएं मिल रही थी। इसके लिए वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो शिकायतें उन्हें मिली थी वे बिल्कुल सही थी। पार्कों में जो पैसा मुरम्मत हुआ और विकास के लिए खर्च किया गया था वे यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जो एक दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर्यटक और मेहमान जो माल रोड और पार्क में घूमने आते हैं, उनके आगे शहर को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसके लिए हमें सभी कार्य ईमानदारी से करने चाहिए। इस मौके पर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल ने कहा कि यहाँ झूलों की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, यहाँ रंग रोगन के साथ पौधारोपण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति खंडित पड़ी है, जिसे देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस मूर्ति की जल्द ही मरम्मत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जो युवा यहाँ सुबह के समय कसरत करने आते हैं, उनके लिए ओपन जिम बनाने के लिए वे 4 लाख रुपए विधायक निधि से प्रदान करेंगे। सोलन में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके चलते शहरवासी अलाव जलाकर ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊनी कपड़े, टोपियां, मफलर डालकर ठंड से बच रहे हैं। मूंगफलियां और गर्म सूप की मांग शहर में बढ़ती जा रही है। गर्म मूंगफलियां और सूप पीकर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। कम कपाट देने वाली ठंड से अब लोग परेशान हो चले हैं। ठंड इतनी है कि अब कोहरा भी जमने लगा है और रात होते ही ओस भी पड़ने लगी है। ठंड की वजह से ग्राहकों की कमी देखी जा रही है, यही कारण है कि बाजार भी जल्द बंद होने लगे हैं। शहरवासियों ने बताया कि कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप ज्यादा ही हो चला है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोलन में भी जल्द ही बर्फ गिर सकती है। शाम होते ही वे आग जला लेते हैं, आग तपने से ही वे कुछ कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही वे ठंड से बचने के लिए गर्म टोपी और कपड़े पहन रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों को सलाह दी है कि अगर वे घर से बाहर निकलते हैं तो वे पूर्ण तैयारी से बाहर निकलें और गर्म कपड़े, टोपी, मफलर, जैकेट जरूर पहने। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 95वां जन्म दिवस ऊना में हर ब्लॉक स्तर पर सुशासन के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। ऊना के बीजेपी मुख्यालय में बड़ी धूमधाम के साथ
इस जन्म दिवस को सुशासन के रूप में मनाया गया, जिसमें जिले के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने अटल बिहारी की फोटो पर फूल अर्पित किए और इस मौके पर उन्होंने अटल के स्नेह में लिए गए हर फैसलों के बारे में लोगों को बताया। अटल पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी उनकी काफी तारीफ करते थे। उन्होंने अपने स्नेह में कारगिल युद्ध को जीता है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। आज पूरा देश उनके जन्मदिन को मना रहा है और देश में उनके योगदान को लेकर उनको हमेशा याद किया जाएगा।